अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे। आज हमारा उसका लेक्चर मिनरल्स है। हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और फैट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। मिनरल्स के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनरल्स ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो कि अर्थ पे अवेलेबल होते हैं, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये हम प्लांट्स के जरिए या वाटर के जरिए या मिल्क है जैसे उसके जरिए हम अपनी बॉडी में लेके आते हैं। जब हम डिफरेंट वेजिटेबल्स खाते हैं, जब हम दूध पीते हैं, पानी पीते हैं मिनरल वाटर जैसा, और कुछ ऐसे एनिमल फूड्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल फूड जैसे मीट है, तो उनसे हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। खुद हमारी बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होते। एंड वी ऑल्सो डिस्कस दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। मेजर बड़े के ऐसे मिनरल्स जो हमें पर डे जरूरी है कि 100 मिलीग्राम ऑफ मिनरल्स हमें चाहिए, 100 मिलीग्राम या उससे ज्यादा एक दिन में, इतनी क्वांटिटी हमें इन मिनरल्स की हमारी बॉडी में जरूरत होती है, उनको हम मेजर कहते हैं। और ऐसे मिनरल्स जिनकी हमारी बॉडी में लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे नीड होती है, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे, उन मिनरल्स को हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स, लेस देन 100 mg पर डे। अब मेजर मिनरल्स की हम बात करें तो कुछ मिनरल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये हमारे पास मेजर मिनरल्स आते हैं। कैसे मेजर मिनरल्स आते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के जो मेजर फंक्शंस हैं उनमें हेल्प आउट कर रहे हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम और फ्लोराइड है, एक तो ये काम करते हैं तीनों की, ये हमारी क्लोराइड सॉरी ये हमारी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है हमारी बॉडी में करना, वो इन इन मिनरल्स से करना है तीनों ने, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड ने। उसके अलावा इनका काम ये है कि हमारी जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होनी है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है, वो भी इन मिनरल्स ने करनी है। नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है और जिसकी वजह से फिर हम रिस्पॉन्स शो करते हैं टू एनी फैक्टर, टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस अराउंड अस, तो वो भी ये सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड की ही वजह से वो रिस्पॉन्स एड होता है। ये मिनरल्स हैं पोटाशियम पंप और सोडियम पंप जो के करते हैं और फिर नर्व इम्पल्स हमारी ट्रेवल करती है। उसके अलावा हमारे जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये इम्पोर्टेंट है। हार्ट फंक्शन और ब्लड प्रेशर में ये इम्पोर्टेंट है। मिनरल्स हार्ट फंक्शन में भी इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि ये पोटाशियम और सोडियम पंप्स वगैरह ये हमारे हार्ट की जो चैम्बर्स हैं, वॉल्व्स हैं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में एड करते हैं, तो इस तरह से ये उसमें इम्पोर्टेंट है। इफ वी टॉक अबाउट कैल्शियम, तो कैल्शियम तो आपने ये वर्ड कॉमनली सुना है कि बोन स्ट्रॉन्ग, कि ये हमारी जो बोन्स हैं, कैल्शियम हमारी बोन्स को और टीथ को भी मेंटेन करता है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा मिल्क ले रहे हैं, पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, साथ में हम विटामिन डी भी ले रहे हैं, तो हमारे जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग होंगी। तो वो कैल्शियम ऐसा मिनरल है जो हमारी बोन्स को स्ट्रांग करता है। अब जैसे कि हमारी बॉडी स्केलेटन बॉडी है तो इसके लिए तो बहुत जरूरी है कि बोन स्ट्रांग हो, तो वो फिर कैल्शियम हेल्प आउट करेगा। दूसरा कैल्शियम का काम ये भी है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प आउट करता है। हमारी जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, उसमें जो है वो कैल्शियम उसको एड आउट करता है। मैग्नीशियम और फॉस्फोरस ये हमारी बोन्स को और टीथ को मेंटेन करते हैं, उनको डिवेलप करते हैं। मैग्नीशियम और फॉस्फोरस दोनों हमारे जो टूथपेस्ट है उसमें साल्ट्स होते हैं, उन साल्ट्स में ये मैग्नीशियम फॉस्फेट साल्ट पाया जाता है, या फ्लोराइड के साल्ट्स पाए जाते हैं, जो फ्लोराइड है नमक जिसको हम कहते हैं, वो भी हमारी जो है वो टूथ टीथ की मेंटेनेंस में बहुत हेल्प आउट कर रहा है। तो ये मेजर मिनरल्स थे कि ये किस तरह से हमारी हमारे टूथ और बोन्स को मेन है उनको मेंटेन करना, हमारी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करना, हमारा हार्ट का जो कॉमन नॉर्मल फंक्शन है उसको देखना, उसके लिए ये सारे हेल्प आउट कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेस मिनरल्स की जब हम बात करें तो ट्रेस मिनरल्स में हमारे पास आ जाते हैं आयरन, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है,
जो कि ब्लड को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। आयरन मेन इसका काम ये है, हमारे हीमोग्लोबिन का जो मेन सेंट्रल एटम है हीमोग्लोबिन का, इस प्रोटीन का, दैट इज आयरन Fe। तो वो आयरन हमें जो है वो हेल्प आउट करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद देता है आयरन, तो उसमें वो जरूरी है। उसके अलावा अगर हम जिंक की बात करें और क्रोमियम की बात करें, जिंक और क्रोमियम, तो जिंक भी है और क्रोमियम भी, ये हमारे इंसुलिन की जो फंक्शनिंग है उसमें मदद देते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन का काम क्या है कि इसने जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, उसको कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन में। फिर जब इस इंसुलिन को कौन मदद दे रहा है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे इस फंक्शनिंग में, इसमें वो जिंक और क्रोमियम हेल्प आउट करते हैं, जिंक और क्रोमियम। तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, अगर ना करे, अगर नॉर्मल फंक्शनिंग ना परफॉर्म करे तो इट कैन लेड टू डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। तो वो इंसुलिन जो है वो हमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा अगर हम देखें कॉपर की बात करें, तो कॉपर बहुत सारे इंजाइम्स है हमारी बॉडी में जिनमें एज अ कोफैक्टर एक्ट कर रहा है, कि बहुत सारे इंजाइम्स हैं जो कि जिनकी फंक्शनिंग में एक ऑयल की जरूरत है, उसको हम कोफैक्टर कहते हैं और वो कॉपर उसमें हेल्प आउट करता है। अगर हम फ्लोराइड का देखें तो फ्लोराइड आपको मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे जो बोन्स हैं, हमारे जो टीथ हैं, उनको उनकी मेंटेनेंस जो है और हमारा जो टीथ में मेन जो है वो हमारे पास उसको फ्लोराइड ने देखना है, टूथ मलगम है उसको जो है वो फ्लोराइड ने स्ट्रॉन्ग करना होता है, हार्डन करना होता है हमारे जो टीथ हैं, दांत हैं उनको। तो अगर नेक्स्ट हम आयोडीन का देखें, आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, चाहे ट्रेस मिनरल है बट टू मच इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस के आयोडीन हमारे जो थायराइड फंक्शनिंग है, नॉर्मल थायराइड फंक्शनिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो नॉर्मली काम कर रहे हैं, थायरॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, तो वो आयोडीन की वजह से कर रहे हैं। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो थायरॉक्सिन ट्राई आयोडोथायरोनिन रिलीज नहीं होता, इम्प्रॉपरली रिलीज होता है, जिसकी वजह से फिर हमारी फूड की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता और हमारी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होती, हमें फिर पसीने आते हैं, हम फिर कमजोर हो जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि यू शुड एड मोर एंड मोर आयोडीन टू योर डाइट, आपको आयोडाइज्ड साल्ट यूज करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें आयोडीन जो है वो हमें थायराइड फंक्शनिंग में हेल्प करता है, हमारे जो गले में ग्लैंड्स हैं थायराइड ग्लैंड्स उनमें, और इसकी वजह से आयोडीन की कमी की वजह से समटाइम थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं, जिसको हम गॉइटर की बीमारी भी कहते हैं और उसकी वजह से भी होती है। आयोडीन की कमी की मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज है बेसिकली, गॉइटर जैसे आयरन है, आयरन की कमी की वजह से भी एनीमिया हो जाता है, एनीमिया जो है वो फिर येलो हो जाते हैं पेशेंट्स, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, उनमें उनको वेट लॉस हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, और उसके अलावा उनमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो उसकी वजह से उनका कलर भी डल हो जाता है, तो वो एनीमिया की वजह से भी होता है। तो जब हाइपोक्सिक एनवायरमेंट उनको मिलेगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, तो इट कैन आल्सो लेड टू ब्लड कैंसर जैसी डिजीजेस भी आ सकती हैं, ब्लड डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेजर और ट्रेस मिनरल्स हैं जो कि किसी भी लिहाज से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे ये हमें 100 मिलीग्राम से कम चाहिए या चाहे ये हमें 100 मिलीग्राम से ज्यादा चाहिए, हमारी बॉडी में इन सब मिनरल्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंट है। कि इनमें से अगर एक भी मिनरल कम हो जाता है तो इट कैन लेड टू सर्टेन काइंड ऑफ माल फंक्शनिंग्स इन आवर बॉडी जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो दैट वाज ऑल अबाउट मिनरल्स का। हम कैल्शियम और आयरन का जो रोल है हमारी बॉडी के अंदर, या उसकी वजह से क्या बीमारियां, जैसे कैल्शियम की कमी की वजह से बोन्स वीक हो जाते हैं जिसको हम टेटनी कहते हैं, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ एक्चुअली दे प्ले रोल इन आवर ह्यूमन बॉडी। आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।